बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। आलम यह है कि हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद शेख हसीना शरण के लिए अन्य देशों की ओर देख रही हैं। दो महीने से चल रहे छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप लिया तो पूरा देश हिल गया। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ कि वहां सब कुछ उथल पुथल हो गया? बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर उस जमान ने शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। सेना प्रमुख वाकर उस जमान ने तख्ता पलट की साजिश रच कर शेख हसीना को कुर्सी से बेदखल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के भागने से पहले वाकर उस जमान ने एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली न चलाई जाए। ऐसा करने से शेख हसीना द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को लागू करने वाला ऑर्डर फेल हो गया। हालात से वाकिफ एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि शेख हसीना को अब सेना का समर्थन नहीं था। आर्मी चीफ वकार उस जमान ने शेख हसीना का साथ क्यों छोड़ा, इसका जवाब भी सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फौज के अंदर बहुत बेचैनी थी, जिसकी वजह से आर्मी चीफ पर दबाव बना होगा। क्योंकि सेना के जवान बाहर हैं और वो देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। इस बीच सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग भी उठ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विरोध कर रहे छात्रों की पसंद मोहम्मद यूनुस है। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में जल्द ही नई सत्ता की कमान आ सकती है।